इस मैं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम टेक। आज हमारे सामने है महिंद्रा बोलेरो नियो। इसमें आपको जो है चार वेरिएंट जो है देखने मिलते हैं टोटल। आपको N4, N8, N10R, N10 ऑप्शनल जो है देखने को मिल जाती है, मतलब चार वेरिएंट है। उसमें आपको जो है ये सेकंड बेस वेरिएंट हमारे सामने है जो कि N8 जो नजर आ रही है अब फ्रेम में। तो N8 जो है आपको एक शोरूम की यहाँ पे बात करूँ तो 10,63,800 रुपीस जो है एक शोरूम कॉस्ट करने वाली है। तो प्लेस वगैरह थोड़ी सी या कीचड़ वगैरह है क्योंकि बारिश का मौसम है और थोड़ी सी गाड़ी गंदी है क्योंकि बारिश में तूफान उफान टाइप चलते हैं तो पेड़ के जो है गिर जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू रालस मोटर्स जो कि हमको गाड़ी प्रोवाइड किए रिव्यू के लिए। महिंद्रा के किसी भी प्रोडक्ट से इंक्वायरी लेना है तो डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले नंबर चल रहा है उसमें जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कीज से। कीज आपको कुछ स्टेप की नजर आने वाली है। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग के जो है ऑप्शन, यहाँ से लॉक देख सकते हो, यहाँ जैसे हैजार्ड वगैरह होना है इसको अपन अनलॉक कर देते हैं तो कुछ स्टेप की देखने मिलती है। यहाँ से जो सर्चिंग का बटन है वो देखने मिल जाती है। सेकेंडरी की बात करें ये भी फ्लिप की देखने मिलता है लेकिन सेंट्रल लॉकिंग वगैरह का कुछ भी यहाँ सादा सिंपल देखने मिलता है, कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो फ्लिप की कुछ स्टेप की नजर आती है। पीछे महिंद्रा की जो है लोगो देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में कुछ स्टेप की आपको जो लुक है देखने को मिलने वाली है। ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे 6 वर्टिकल जो ग्रिल है वो देखने को मिलती है। बीच में महिंद्रा की लोगो, सेम जैसे यहाँ फिनिशिंग है पूरी आपको देखने को मिलेगी। हेडलाइट आपको जो है हैलोजन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक जो क्रोम की गार्निश है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पार्किंग बल्ब जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। तो पूरी जो हेडलाइट की सेटअप है आपको हैलोजन में देखने को मिलने वाली है। तो साइड से कुछ आपको देखने को मिलता है सेम एज इट इज़, आपको फ्रंट में कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे आप जो है नंबर प्लेट लगा सकते हो और यहाँ से जैसे आपको फॉगलाइट की जो ऑप्शंस है मतलब फॉगलाइट इंस्टॉल करा सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो है देखने को नहीं मिलता फॉगलाइट्स, तो लेकिन आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप इंस्टॉल करवा सकते हो। तो फ्रंट से कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है। तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं पहले। तो फ्रंट से आप देखो पहले नीचे आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 160 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, मतलब आप ऐसे छोटे मोटे ऑफ रोडिंग्स या थोड़े पत्थर वाले या थोड़े ख़राब रास्तों पर जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई इशू देने नहीं वाला। तो उसके बाद हम साइड से बढ़ते हैं। साइड में कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है जो है यहाँ पे फेंडर पे जो आपको एक टर्न इंडिकेटर जो है देखने को मिल रही है जो कि यहाँ ब्लिंक कर रही है। बाकी यहाँ स्टील रिम जो है देखने को मिलती है ब्लैक कलर की। ठीक, इस टाइप की देखने को मिलती है। जो यहाँ पे ब्लैक जो लाइन है वो आपको कुछ इस टाइप की अनपेंटेड जो है देखने को मिलती है पूरी गाड़ी पे जो कंटिन्यू हो रही है। बाकी पूरी कुछ इस टाइप का नज़र आता है। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे जैसे बॉडी कलर जो है ORM देखने को मिलता है कुछ इस टाइप की नज़र आते हैं। नीचे पे थोड़ी ब्लैक फिनिश जो है दी गई है। डोर हैंडल्स अपने को यहाँ पे जो है अनपेंटेड देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर देखने को नहीं मिलते। यहाँ से आप फिजिकली इसको अनलॉक कर सकते हो अगर आपकी बैटरी वगैरह डाउन है। तो इतनी ऊंची गाड़ी है 160 mm जैसे ग्राउंड क्लियरेंस इसका मैंने बताया। तो इतनी SUV जो आपको देखने को मिल रही है तो इसमें चढ़ने के लिए थोड़ी सी जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या महिंद्रा ने काम किया है जैसे फुट स्टेप यहाँ देखने को मिल जाती है जो बढ़िया से यहाँ चढ़ो और देन जो अंदर पे चढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। साइड से कुछ इस टाइप की नज़र आती है। ये थोड़ी ओपन हो जाती है यहाँ से, मतलब पूरी ओपन नहीं होती, हल्की सी ओपन होती है जिससे कि एयर अंदर से जैसे सफोकेशन ना लगे, हल्की सी खुल जाती है। ठीक, पीछे से कुछ इस टाइप की आपको नज़र आने वाली है। N8 की जो बैज है वो देखने को मिल जाती है। हेलोजन में जो है पूरी टेल लाइट रखा गया, टर्न इंडिकेटर्स हो गया, रिवर्स लाइट हो गई या आपको ब्रेक लाइट जो देखने मिलती है वो भी आपको पूरी हेलोजन में देखने को मिलती है। बाकी इस टाइप की नज़र आती है पीछे से। यहाँ पे आपको जो स्टेपनी सेम साइज़ का जो है देखने मिलता है अपोलो के वो है। और अगर इसके जो प्रोफाइल है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 215/75R15 की जो है यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, मतलब जो साइज़ है वो दिया गया है। बाकी स्टेपनी यहीं पे डोर पे जो है हैंडल हो जाती है। ठीक, सेम चीज़ें मतलब जो टायर की प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है। तो इसमें मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है डिफॉगर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वो वॉशर और वाइपर दोनों के ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जैसे वॉशर यहाँ पे है, यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ बोलेरो नियो की जो बैज है 3D एलिमेंट में आपको नज़र आती है। यहाँ पे भी अनपेंटेड देखने को मिल जाती है। नीचे आपको जो है दो रिफ्लेक्टर्स देखने को नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। और ये जो फुट स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस टाइप की देखने को मिल रही है। जाती है यहाँ पे दो आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं, रिवर्स सेंसर्स जो कि आपको यहाँ कैमरा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये आपको जो सेंसर्स है वो आपको देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी कुछ इस टाइप की नज़र आती है। यहाँ 50 लीटर्स की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो देखने को मिलती है। ये जैसे केवल और केवल जो डीजल के ऑप्शन में आती है तो यहाँ पे आपको यूरिया DF जो बोलते हैं वो आप डालना पड़ेगा और जिसके साथ 50 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मतलब डीजल जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। तो कुछ इस टाइप की आपको जो ओवरऑल गाड़ी है देखने को मिलने वाली है। अब एक एक करके इंटीरियर से बात करते हैं तो पहले अपन बूट ही ओपन कर लेते हैं। तो उस टाइप की देखने को मिलेगी जिसमें कि यहाँ ग्रैब हैंडल्स या ओपनर देखने को मिल जाती है। इस टाइप की फिनिश देखने को मिलती है, अंदर से इस टाइप की पूरी कुछ नज़र आने वाली है।
384 लीटर्स की जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप जैसे बोलेरो, यहाँ पे जैसे स्टेपनी कवर जो है नज़र आती है, जैसे आप स्टेपनी है उसके ऊपर जैसे इंस्टॉल होती है उसकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ बोलेरो की बैज, यहाँ जो है महिंद्रा की लोगो, कुछ इस टाइप की नज़र आती है। ठीक है, इसमें जो आपके व्हील कैप्स जो है वो रखे गए हैं, जो कि जो व्हील कैप्स है वो व्हील के ऊपर जो है इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी इसको साइड पे करते हैं, एक बार सीट्स की मटेरियल देखो, फैब्रिक अपहल्स्ट्री जो है देखने को मिल जाती है, मतलब 7 सीटर जो ऑप्शन है आपको यहाँ नज़र आने वाला है। बाकी इस टाइप की स्टोरेज आपको नज़र आने वाली है। ठीक, यहाँ जैसे मैंने बताया, इसको आप थोड़ी सी इसको करोगे, देन इसको आप जो पुश करोगे बाहर की तरफ, तो ये जो है आपकी ओपन हो जाती है। आप कैसे नज़र आता है, तो इस टाइप की, जैसे मैंने बताया एयर इनटेक के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, तो इस टाइप की आपको नज़र आने वाली है। मेट्रो की तरफ चलते हैं, तो इसको जैसे अनलॉक करते हो तो कुछ इस टाइप की जो ट्रिम्स है वो देखने को मिलती है। पावर विंडो कंट्रोल्स हार्ड प्लास्टिक में जो है देखने को मिलता है, बॉटल होल्डर्स, स्पीकर्स, यहाँ पे मैट फिनिश में जो है देखने को मिलती है। यहाँ से जैसे फुट स्टेप है उस पर हम पैर रखते हैं, देन इंटर कर पाएंगे आप। जैसे बैठोगे आप नी रूम देख सकते हो, मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है, तो मेरी 5.5 फुट है हाइट, तो देख सकते हो नी रूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फैब्रिक कपल से जो है देखने मिल जाती है, कुछ इस टाइप की डिज़ाइन नज़र आने वाली है। डोर को करते हैं यहाँ पे बंद, और कुछ इस टाइप की विजिबिलिटी फ्रंट की तरफ देखने को मिलेगी। बाकी एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट आपको दो देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप की नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। 3 एडल्ट्स जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप की नहीं होगी। ग्रैब हैंडल्स उस साइड पर देखने मिल जाती है, पीछे से कुछ इस टाइप की नज़र आती है पूरी की पूरी। तो यहाँ से सेंटर कंसोल देख सकते हो, कुछ इस टाइप की आपको पूरी लुक देखने मिलती है। यहाँ जैसे पॉकेट आपको देखने नहीं मिलता, लेकिन जो को ड्राइवर है उस साइड पर आपको जो है पॉकेट देखने को मिलती है। ठीक, उस साइड पर भी सेम एज इट इज़ जो है रखा गया है, और 3 पॉइंटेड जो है सीट बेल्ट देखने मिल जाती है, 1, 2, 3, कुछ इस टाइप की नज़र आती है। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, आप जैसे इंटर करोगे तो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। इसमें भी पूरी हार्ड प्लास्टिक जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज, बोटल होल्डर्स, या स्पीकर्स, या मैट फिनिश में, या ओपनर, या जो है आपको हैंड से जो है एडजस्ट कर सकते हो, इसके जो ORVMs है इस टाइप की कुछ देखने मिलती है। फोल्डेबल भी जो है आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ बैठते हो तो सबसे पहले आप जैसे सीट की मटेरियल देखो, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मैंने बताया, कुछ इस टाइप की स्टिचिंग के साथ जो है नज़र आने वाली। इल्यूमिनेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे आप किस रात के टाइम लगाओगे तो आपको सराउंडिंग में जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे ESS, यहाँ पे जैसे ब्लोअर वगैरह की वो देखने मिल जाती है। इको की यहाँ पे जो बटन देखने मिलते हैं, इकोनॉमी जो ड्राइव है, यहाँ पे एडजस्टेबल जो है हेडलाइट की जो कंट्रोल्स है वो देखने मिल जाते हैं। बाकी यहाँ AC के वेंट्स वगैरह, ओके, तो ये जो वॉइस कमांड है वो भी बता देती है। जैसे अभी इको मोड में देखो, अभी ऑफ किया, ठीक है, यहाँ इको मोड ऑफ आ गया। Your vehicle is in eco mode. ठीक है, इको मोड ऐसे ऑन हो गया। तो बैठते हो जब कुछ इस टाइप की विजिबिलिटी देखने मिलती है। स्टेयरिंग की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने मिलता है, टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। एक बार इसको ऑन करते हैं अपन, रेव करके दिखाऊं, कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो हैजार्ड एक बार बंद करते हैं, टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन देखने नहीं मिलता, या महिंद्रा की लोगो, या कुछ भी ऑप्शन देखने नहीं मिलता, या मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, बाकी यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, क्लस्टर, बाकी AC के वेंट्स वगैरह, यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है कुछ इस टाइप की नज़र आती है। पूरी इंटीरियर जो है आपको डुअल टोन थीम में देखने को मिलता है, एक ब्लैक और जो है बीच कलर टाइप की जो है देखने को मिलती है। ठीक, हॉर्न की बात करें, ऐसे कुछ आपको हॉर्न देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइप की कुछ हो गई, कीज़ वगैरह बता दिया, इस साइड बता दिया। आप क्लस्टर की तरफ बढ़े तो क्लस्टर कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है। तो यहाँ जो है टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, MID, यहाँ पे ओडोमीटर जो देखने मिलता है, गियर इंडिकेटर देखने मिल जाती है। यहाँ से काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स है वो नज़र आने वाले हैं। यहाँ जैसे ट्रिपे वगैरह है, यहाँ से ट्रिपे ट्रिप भी जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, ट्रिपे ट्रिप भी, वो सब चीज़ें, बाकी किलोमीटर पर आवर वो सब देख सकते हो। यहाँ AFE जो है देखने को मिल जाती है, उसके बाद जो है किलोमीटर पर लीटर हमारा डिजिटल में जो है आपको स्पीड देखने को मिल रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाती है, 31 है सभी टायर्स में, और स्टेपनी का जो है वो भी दिखा रहा है, 30 जो है देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखते हैं वार्निंग स्ट्री सेटिंग्स, फिर वही जो पहले की तरह वो देखने को मिल जाती है। फ्यूल गेज यहाँ नज़र आता है, टेम्परेचर यहाँ पे RPM जो है 7000 RPM तक ड्राइव करती है हैंडब्रेक, और यहाँ देखो इको वगैरह की जो है देखने को मिल जाती है, जैसे इको ड्राइव वगैरह, इसको अभी हम हटा दिए, देन जैसे इको में डालते हैं कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है। ठीक है, ये मोड्स या फ्यूल रिजर्व है वो भी दिखा रहा है, यहाँ डोर ओपन है इस साइड कोई सा,
तो मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं दिखाता, तो मे बी वो जो लास्ट पीछे वाली है वो ओपन है तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है। बाकी कुछ स्टेप की नजर आती है पूरी, हजार्ड वगैरह की, चॉकलेट वगैरह सब चीजें देखने को मिल जाती है। उसके बाद अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आए तो कुछ इस टाइप की मिनी आपको जो है देखने को मिलती है। बाकी यहाँ बटन्स वगैरह उसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, या वॉल्यूम वगैरह के देती है वॉल्यूम कंट्रोल्स। अगर इसके जो आउटपुट है, जैसे मैंने यहाँ बताना भूल गया, यहाँ जो ट्वीटर्स देखने को मिल जाते हैं, दो स्पीकर फ्रंट में, दो स्पीकर पीछे, तो आपको यहाँ चार स्पीकर और दो ट्वीटर जो है देखने को मिलते हैं। इसके जो आउटपुट है आपको हमारे शियम ऑटोटेक इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देख सकते हो, जाके विजिट कर सकते हो, जो ऑडियो आउटपुट है किस टाइप की नजर आने वाली है। बाकी यहाँ से हैजार्ड यहाँ से ऑन हो जाते हैं, यहाँ से मोड्स या एसी ऑन ऑफ, एसी इको जो है वो ऑन हो जाती है, यहाँ ब्लोअर कंट्रोल्स या एसी और हीटर जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की सॉकेट, उसके बाद यहाँ देख सकते हो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है ऑक्स देखने को मिल जाती है, पियानो ब्लैक में देखने को मिलता है, स्टोरेज या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं विद 1 रिवर्स। इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता। बाकी पावर विंडो के कंट्रोल, सेंटर कंसोल में स्टोरेज, यहाँ पे हैंड ब्रेक, यहाँ पे बॉटल होल्डर, कप होल्डर्स टाइप की देखने को मिल जाती है, कुछ इस टाइप की नजर आती है पूरी की पूरी आपको जो व्यू है। उसके बाद हायर में बात करें, यहाँ पे मैनुअली जो डिमिंग है देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है एलोजन देखने को मिल जाती है, वॉइस कमांड वो सब चीज़ें का जो माइक है यहाँ नजर आती है, यहाँ पे टिकट होल्डर्स, यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ, तो सेफ्टी फीचर्स में आपको दो एयरबैग देखने मिलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ABS EBD जो है देखने को मिलता है सेफ्टी के नाम पे, ठीक कुछ इस टाइप के आपको नजर आने वाली है। पेडल्स हम एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे एक्सेलेटर ब्रेक क्लच जो है देखने को मिल जाती है, एक्सेलेटर ब्रेक और ये जो क्लच है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ से जो हुड है उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक तो ओवरऑल कुछ इस टाइप की आपको देखने मिलती है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक, और ऐसी वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून विद शियम ऑटोटेक। अभी चलिए इंजन वाइज बात करते हैं, ये कुछ इंजन भी आपको कुछ इस टाइप की नजर आती है, इंसुलेशन का वर्क कुछ इस टाइप का नजर आता है। एसी और आइडल पे हमने ऑन किया तो इस टाइप की जो नॉइस है आपको सुनाई दे रहा होगा, एसी ऑन है, प्लस इंजन जो है थ्री सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे काफी इंजन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। 1.5 लीटर जो है डीजल इंजन देखने को मिलती है। पावर आउटपुट की बात करें 98.56 BHP की जो पावर और 260 NM का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देती है, कुछ इस टाइप की आपको नज़र आने वाली है। मतलब थ्री सिलेंडर इंजन है तो थोड़ी सी आपको कुछ ऐसी नॉइस निकाल के देती है। जो एवरेज की बात करूँ या एक्चुअल में जो देती है 12 से 13 की जो एवरेज है, एक्चुअल जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ तो आपको देने वाली है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर आप निकाल लो तो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन जो जिन ऑनर से मिलकर मैंने बताया तो यहाँ 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर ओवरऑल, अगर आप कच्चे सड़क पे चला रहे हो, हाईवे में चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, तो ओवरऑल मिलके जो है इतना आपको एवरेज निकाल के देने वाली है। तो ये था कुछ हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद शियम ऑटोटेक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।